खूबसूरत, लेकिन ये बाइक मेरी नहीं है। बाइक बहुत खूबसूरत है, चलाने में बहुत ही अच्छी है। इसके जो ऑनर हैं, प्राउड ऑनर, वो मेरे साथ हैं। मेरे साथ हैं समीर, जो कि इस बाइक के हैं ऑनर, और ये आज हमें बताएंगे कि क्या सोचा था लेते वक्त और कैसे कैसे हुआ, कैसे ले ली और क्या क्या चीज़ें इसके अंदर खासियत है। समीर, सबसे पहले ये क्वेश्चन कि जब बाइक ले रहे थे तो कौन कौन से ऑप्शन थे दिमाग में? ऑप्शन एक डोमिनार आ रहा था, फिर ड्यूक 390, मेरे फ्रेंड के पास है ड्यूक 390। हाँ। और फिर मुझे दोनों में चलाने के बाद देखा कुछ और स्पोर्टी लिया जाए थोड़ा, तो RC 390 में पोस्चर ज़्यादा ही अग्रेसिव था, तो मैंने फिर अपाचे की टेस्ट राइड ली। ये उससे ज़्यादा मुझे अच्छी लगी, इसके फीचर वगैरह। RC 390 में आज भी वही जो उसमें चलता आ रहा है शुरू से, वही वैसे ही है। कुछ इसमें फ़ीचर इतने ज़्यादा हैं, सबसे ज़्यादा लोडेड फीचर इस सेगमेंट में मेरे ख्याल से सीम है, तो इसलिए इसकी तरफ जाना बेटर समझा मैंने। अच्छा, ये जब नई जब लॉन्च हुई थी तो ये काफ़ी महंगी भी आई है, TVS की सबसे महंगी बाइक है, क्योंकि इसमें पता ना कि BMW का इंजन और जो BMW G310R है, रिवर्स इंक्लाइन इंजन BMW का, ये भी देख के इसका मोस्ट पैसा पॉइंट था। और भाई इसके जो स्मूथनेस है इंजन की, वो बहुत ही अमेजिंग सी स्मूथनेस है। और भगाने में, अच्छा भगाने में कैसी लगती है भाई? बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव है बाइक तो, और लगभग मैं अभी तक 130 तक ही ले गया हूँ। ज़्यादा रेस लगाई है अभी? नहीं नहीं नहीं, रेस वगैरह कुछ नहीं, ना ही कहीं बाहर गई अभी है, सिटी से सिटी में चलाई है, थोड़ा बहुत हाईवे राइडिंग हुई है बस। हाँ, और बस 130 तक गई थी। अच्छा, अब है इस बाइक की सबसे फेवरेट चीज़ जो कि मुझे लगती है, कुछ मैं पूछना चाहूँगा इसके बारे में। ये जो है स्मार्ट स्क्रीन, कुछ इसके बारे में बताओ कि ये कैसे काम करती है, क्या है, और स्क्रीन पूरा मतलब समझ लीजिए ये पूरा एक स्मार्टफोन ही इसमें लगा, स्मार्टफोन लगा हुआ है पूरा। और आपको पता ही होगा ये तो 4 इसमें फीचर है, मैं स्पोर्ट मोड पे भी चला रहा हूँ इसका। हाँ। इसी में पूरी 35 जो इसकी BHP है वो इसी में आती है। थोड़ा सा मोड चेंज करके दिखाओ सेट में आपको। ये रेड मोड अर्बन है इसका, अर्बन में भी काफ़ी चली है, पूरा रेनी सीजन था तो मैं अर्बन में ही चलाई अब तक, सॉरी रेन में, सॉरी अर्बन में, मैं नॉर्मली में चलाता हूँ इसको। और ट्रैक? अच्छा, ट्रैक में तो कभी यूज़ ही नहीं की मैंने इसको, ट्रैक में करी थी एक बार, तो इसमें उसी में स्लीपर क्लच वगैरह इसका काम करता है, ट्रैक मोड में ओनली वैसे नहीं करता। अच्छा, और ट्रैक मोड में ये भी है कि जो ABS है वो भी मेरे ख्याल से थोड़ा सा स्लो हो जाता है। हाँ, शायद ABS मैंने इतनी ज़्यादा नहीं इसको की। हाँ। बस एक बार चलाई थी खाली। वैसे अगर ट्रैक ना हो तो रोड पे ट्रैक मोड में मत चलो, स्पोर्ट में कम यूज़ करता हूँ, क्योंकि इसका माइलेज इतना उसमें गंदा देने लगती है 22-23 का एवरेज आता है। देखो बाइक अच्छी, बल्कि बाइक भागने वाली बाइक, तो फिर तो माइलेज तो कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ती है। इसका टैंक भी छोटा है, 10-11 लीटर ही आता है लगभग इसमें, तो बार बार ये फिलअप भी कराना पड़ता है। तो मतलब पेट्रोल पंप पे हम जब भी जाते हैं तो हमें बार बार वहाँ पे जाके घूमना पड़ता है, आना पड़ता है। समीर भाई, और क्या क्या फीचर हैं जो कि इस बाइक के ज़्यादा पसंद है? और फीचर में आप इसकी लुक देखो, इसकी पीछे टेल लाइट देखो यार, ये जो इसकी टेल लाइट है, एक वीडियो में देखा था इसको डुकैटी पहने के लिए से उस कंपेयर कर रहा था एक लड़का, इसका ये छोटी डुकैटी है पहने के लिए। ये देखो इसका पीछे बैटमैन वाली लुक आती है, रात को जलते हैं इसके दो, वो जलते हैं इसके रात साइड वाले। और ये जो इसका जो टायर है पीछे से, ये जो इसका फ्रेम है, ये भी कितना खूबसूरत तरीके से डिजाइन किया है। इस लुक इस रेट में इससे अच्छी लुक में बाइक मेरे ख्याल से तो नहीं मिलेगी, है ना। और अगर ऐसा हो जाता कि TVS बस अपना, पता है ये एक मार्केट का एक और भी रिस्पांस था कि बस TVS का नाम जुड़ गया था इतने अच्छे इसके साथ में, तो BMW होती तो शायद इसकी प्राइसिंग भी कुछ और ही होती, पर TVS ने साथ में इसको मिलाया। G310 आ रहा है देखो कितनी महंगी है इससे, और BMW का नाम अगर इस पर आ जाता तो पहली बात तो ये अंधाधुन बिकती, अगर इसी प्राइस रेंज में ये आ रही होती तो फिर तो बात ही क्या है। TVS नाम जुड़ गया, बस लोग पढ़ के देखते हैं कि अपाचे है ऐसे। हाँ। मुझे आज भी रिस्पांस आते हैं लोगों के। हाँ, तो यार ये अपाचे का कौन सा मॉडल है? ये लगता नहीं है भाई, ये पूरा स्पोर्ट सेगमेंट लगता है। अगर मैं इसकी आगे से दिखाऊं लाइट्स, तो ये जो है BI LED प्रोजेक्टर लाइट्स है इसके अंदर। ये देखो जो इसकी लाइट है आगे से, वो इतनी कातिल लाइट्स हैं, इतनी खूबसूरत स्टार्टिंग के वक्त, ये देखो पूरा दिन में, मतलब रात को ये जो है पूरा दिन निकाल देती है आगे से। अच्छा, इसका जो लाइट का रिस्पांस है रात का, वो कैसा रिस्पांस है? रिस्पांस का बहुत अच्छा है, मैंने डोमिनार भी चलाई रात में, तो उसका और इसका लगभग सिमिलर रहा है। ड्यूक 390 से ज़्यादा लग रही थी मुझे तो इसकी लाइट। इसकी दोनों लाइटें जलती है रात को? दोनों लाइट जलती है, दोनों डाउन, दोनों डाउन है ना, क्योंकि डाउन तो जली रहती है दोनों। हाँ। अब जलती है, बस मैं हाई बीम ऑन करता हूँ उसकी तो अब जलती है। पहले जो एक R15 का मॉडल आया था उसमें एक लाइट जलती थी, एक नहीं कुछ सुपर बाइक में भी शायद मैंने देखा है सिंगल लाइट जली रहती है एक तरफ की, वो तो शायद निंजा में देखा मैंने किसी में, ओल्ड मॉडल में होता है ऐसा, एक साइड की लाइट जली रहती है और वो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। अच्छा, ओवरऑल एक्सपीरियंस जो रहा है इसका आज तक, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है इसका, और इस पर जो लोगों की आई कैच जो करती है वो भी बहुत अच्छा लगा इसका मुझे। सब पूछते हैं मुझसे कौन सी बाइक है भाई, ये ऐसे जल्दी से दिखती नहीं है यहाँ पे। इसमें कोई प्रॉब्लम आई अभी तक?
प्रॉब्लम तो ऐसी कुछ नहीं है अभी तक, इसमें इंजन माल फंक्शन दिखाता है कभी कभी, और मैंने दिखाया कंपनी में, उन्होंने फिर इसको किया, मतलब जो कंपनी का रिस्पॉन्स है वो अच्छा है, अच्छा रिस्पॉन्स है कंपनी का, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। ये मैंने दिल्ली से ली थी, गुड़गांव में मिली नहीं थी शुरू में पहली बार। सर्विस कॉस्ट क्या है इसकी? सर्विस कॉस्ट की अभी तक मैं दो सर्विस करा चुका हूँ, तो लगभग 1900 पड़ी है एक में, एक में 2200 ऐसे समथिंग, मतलब सर्विस कॉस्ट भी मतलब नॉर्मल है। तो गाइज ये था एक ऑनर रिव्यू अपाची 310 RR का, जो कि एक्चुअल बता सकते हैं हमें, क्योंकि कोई शोरूम वाला ये चीज़ें नहीं बताता। बिल्कुल बिल्कुल, कि हाँ भाई इंजन में मेलफंक्शन लाइट आती है या आपको नॉर्मली सिटी राइड करना है तो बिल्कुल अच्छा ऑप्शन है। लोगों की आई कैच, आई बॉल कैच करनी है इसमें तो अच्छा ऑप्शन है। और अगर आप और एग्रेसिव है, बहुत अच्छी लुक अच्छी है, इसलिए सेगमेंट में सबसे अच्छा। भाई लड़के जो हैं, लड़कियों के लिए भी तो सोचेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, लड़कियों के लिए भी सोचते हैं। तो मतलब ग्रुप में जब आप ग्रुप से आगे से निकलोगे तो सारे ग्रुप की जो आई बॉल्स हैं वो बिल्कुल बिल्कुल चलेंगे, है ना? बिल्कुल चलेंगे। तो मतलब आपने इससे पहले गर्लफ्रेंड बना रखी थी या इसके बाद बनाई? नहीं, मैं मैरिड हूँ एक्चुअली। तो चलो दोस्तों, बाय बाय। ये था हमारा एक छोटा सा ऑनरशिप रिव्यू। कैसा लगा आप सभी लोगों को? अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कर देना, और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलो बाय बाय, कीप वॉचिंग, कीप रॉकिंग, किंग इंडियन, बाय बाय।